आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत आज हम लोग आज क्या है कि मेरी आरू मेरी डॉटर क्या है कि उसका आज आधार कार्ड बनवाने के लिए जाना है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो अभी बेबी सोई हुई है तो उसे जगाएंगे और लेके चलेंगे उसे आधार कार्ड ऑफिस पे। तो दोस्तों अभी आरू के पापा मॉर्निंग में जस्ट ऑफिस गए हुए थे तो अभी आने वाले हैं और मुझे बोला था आप रेडी होके रहना और आरू को भी रेडी करके रखना और हम चलेंगे आधार कार्ड आरू का आधार कार्ड बनाने के। तो दोस्तों चलो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारा आधार कार्ड ऑफिस का कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं JMS रोड पे क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड का मेन ऑफिस है। तो हम लोग अभी आधार कार्ड के मेन ऑफिस में ही जा रहे हैं जो कि ये आपका शिमला बाईपास से आप जाओगे सीधे डायरेक्ट और आपको सब्जी मंडी जो मेन मंडी है देहरादून की वहाँ से आप राइट टर्न लोगे तो आपको राइट टर्न 500 मीटर के डिस्टेंस में आप आगे जाओगे उसके राइट हैंड पे आपको आधार कार्ड का ऑफिस मिल जाएगा। तो जहाँ पर आपको आधार कार्ड की जो भी आपको आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है जैसे कि आप पुराना आधार कार्ड को अपडेट करना हो या फिर न्यू आधार कार्ड बनाना हो और मतलब एड्रेस चेंज करना हो KYC फॉर्म वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें आधार कार्ड से रिलेटेड होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें होती है क्योंकि वो मेन ऑफिस है। तो दोस्तों फिर चलो चलती हूँ आपके साथ आगे। ये इसको ऐसे में अच्छा लगता है स्पीड ब्रेकर में। तो दोस्तों अभी हम आधार कार्ड वाले ऑफिस पहुंच चुके हैं। अभी बहुत भीड़ लगी हुई है आधार कार्ड वाले ऑफिस में और अभी हमारा सबसे लास्ट वाला नंबर है, हम थोड़ी लेट पहुंचे। तो चलो दोस्तों मिलती हूँ आपसे आगे।
दोस्तों हम आधार कार्ड ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं और अभी आरू के पापा लाइनिंग में लगे हुए हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको बैक कैमरे के साथ दिखाती हूँ यहाँ का आधार केंद्र कैसा है अंदर। हम लोग आ गए हैं, आधार कार्ड अपडेट हो चुका है और हम अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी भीड़ है पीछे। तो दोस्तों चलो फिर निकलते हैं घर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको आने वाले और भी ब्लॉग्स दिखते रहे। तो दोस्तों चलो फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। और दोस्तों आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, सच में बहुत लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं मुझे। और मेरा भी आप लोगों को बहुत बहुत दिल से प्यार और बड़ों को मेरा बहुत 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 दिल से प्रणाम है। सब मेरे बड़ों को और छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, सब लोगों को जो भी छोटे बच्चे मेरा चैनल देखते हैं। हाँ छोटे बच्चे तो मुझे बहुत बोलते रहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैंने दीदी के बच्चों का ट्यूशन का ब्लॉग बनाया था तो सारे बच्चों का मुझे यही कमेंट आए हुए होते हैं, प्लीज़ ट्यूशन का ब्लॉग कब बनाओगे, ट्यूशन का ब्लॉग कब बनाओगे। तो दोस्तों सीरियसली मैं आपको आपके लिए बच्चों के लिए ज़रूर मैं दोबारा से ट्यूशन का ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलो फिर मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही दिया करो। चलो फिर दोस्तों तब तक लिए अपना भी ख्याल रखिया करो। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।